हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपके सिलेबस के बहुत सारे प्रश्न हैं उनको क्लियर करने के लिए बनाया है। और बहुत सारे बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये चैप्टर आएगा क्या, इसमें कौन सा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस चेंज हो गए हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक अलग है, सीबीएसई ने जो पहले सिलेबस जारी किया था वो कुछ अलग है। तो यहाँ पर जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्लियर समझा रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, और दूसरा आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा टर्म टू का, वो भी यहाँ पर क्लियर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब जो सिलेबस से रिलेटेड है वो यहाँ पर इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, आपका टर्म टू का 11th क्लास का सेशन 21-22 का जो सिलेबस है वो है, ये आपकी पहली बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार। और इसमें से आपके तीन चैप्टर जो हैं सेकंड टर्म में आने वाले हैं, उसमें पहला चैप्टर है आपका लेजिस्लेचर, विधायिका, व्हाई डू, और इसके जो पॉइंट है वो यहाँ पर मैं क्लियर बता रही हूँ। इन्हीं पॉइंट्स को आपको तैयार करना है, आपके जो स्टडी है वो फोकस स्टडी होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, किस चैप्टर में कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक को हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। तो पहला है, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल पार्लियामेंट, एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक संसद, फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य एवं शक्तियां, पार्लियामेंट्री कमिटी, संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल, संसदीय अधिकारी, अधिकारी कौन कौन से, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संसदीय सचिव। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो लेजिस्लेचर आएगा विधायिका का, उसमें ये पॉइंट शामिल है सिलेबस में। दूसरा चैप्टर देखिए आप, आपका जो दूसरा सेकंड चैप्टर है वो है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और इसमें पॉइंट्स क्या क्या है, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी भारत में संसदीय कार्यपालिका, भारत में संसदीय कार्यपालिका है और उसके जो मेन कार्यपालिका के पदाधिकारी हैं वो कौन कौन है, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। हमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है उनके कार्य और शक्तियां देखनी है इस चैप्टर में। और फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें तैयार करना है। ये है आपका थर्ड चैप्टर जुडिशरी, न्यायपालिका, और न्यायपालिका के जो पॉइंट है वो क्या है, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द जुडिशरी यानी न्यायपालिका की संरचना और उसके क्षेत्राधिकार, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता एवं न्यायिक अतिक्रमण। तो ये सारे पॉइंट हमें न्यायपालिका में तैयार करने हैं। तो बच्चों, केवल यह तीन चैप्टर आपको सेकेंड टर्म के हिसाब से फर्स्ट बुक में से रेडी करने हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा सेकंड बुक क्या है। तो देखिए, सेकंड बुक जो है वो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, यानी राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। और इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके कोर्स में शामिल है देखिए, इसमें पहला चैप्टर यानी जो आपका टोटल नंबर फोर्थ चैप्टर, लिबर्टी, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, और इसमें पॉइंट क्या है, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। आपको केवल ये दो पॉइंट मेन तैयार करने हैं, स्वतंत्रता बनाम आजादी यानी स्वतंत्रता क्या है, और स्वतंत्रता के साथ साथ आजादी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्वच्छंदता, आजादी को आप स्वच्छंदता भी बोल सकते हैं, और सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो यही दो पॉइंट मेन आपके सिलेबस में यहाँ पर दिए गए हैं। फिर अगला चैप्टर देखिए आप, समानता का जो आपका चैप्टर है उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो है, समानता क्या है, समानता का महत्व, समानता के विभिन्न आयाम, और हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, व्हाट इज इक्वलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वलिटी, वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी एंड हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी। तो ये आपके समानता के टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है
आपका अंतिम चैप्टर जो इसमें है वो है जस्टिस, न्याय। न्याय के टॉपिक जो है, व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ जस्टिस, न्याय के विभिन्न आयाम, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी वितरणात्मक न्याय। तो बच्चों ओवरऑल आपको ये 6 चैप्टर तैयार करने हैं, 3 एक बुक में से और 3 एक बुक में से। और इन 6 चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है वो भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ बच्चों का के बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि हमारा पेपर सेकेंड टर्म का कैसा आएगा, तो वो आप यहाँ पर देखिए, आपका जो पेपर पैटर्न है सेकेंड टर्म का वो भी एक अलग से पेपर पैटर्न डिसाइड किया गया है सेशन 21-22 के लिए। तो वो पैटर्न इस तरीके का होगा, इसमें देखिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आपका ये पेपर 40 नंबर का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है, यानी आपको सारे जवाब लिख कर देने होंगे। इसमें 3 भाग है, तो जो सेक्शन ए है उसमें 8 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 2 अंकों का होगा और 50 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा, यानी 8 क्वेश्चन 2 मार्क्स के करने आपको। सेक्शन बी जो होगा उसमें 3 प्रश्न आपको 4-4 नंबर के करने हैं, जिनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस 4 नंबर के जो 3 प्रश्न आएंगे, इनमें एक प्रश्न आपका मैप बेस या कार्टून बेस आ सकता है, कार्टून या पिक्चर बेस, कि कोई पिक्चर दी हुई है और उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर आपको मैप दिया गया है जो आपने देखा था विधायिका वाला जो चैप्टर है हमारा हमारा उसके अंदर आपको एक मैप आता है के द्विसदनात्मक विधान मंडल किस किस राज्य में है, मैंने आपको वो मैप करवाया भी था, तो उस तरीके का मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर कोई कार्टून या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी 4 नंबर में आ सकता है। फिर सेक्शन सी जो है उसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे और उसकी वर्ड लिमिट 170 वर्ड्स है, 170 शब्दों में। और ये जरूर है कि आपको जो ये 6 नंबर के क्वेश्चन है इसमें आपको चॉइस मिलेगी, यानी अथवा जिसको आप बोलते हैं और बोलते हैं, यानी 2 प्रश्न में से आपको कोई एक करना होगा। तो 12 में भी 2 प्रश्न दिए होंगे और 13 में भी 2 प्रश्न दिए होंगे, उन दोनों में से आपको एक एक प्रश्न करना होगा, यानी क्वेश्चन 6 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, आशा करती हूँ कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन 4 नंबर के और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए, जो आपने ये 6 चैप्टर का सिलेबस देखा उसमें से आपको इस तरह के प्रश्न तैयार करने हैं। और एक बात कि आपका 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वाइवा होगा, जो प्रोजेक्ट आपको टर्म 1 में बनवाया गया था उसके ऊपर वाइवा आपका लिया जाएगा, यानी उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, टीचर आपका वो प्रोजेक्ट एक बार फिर से चेक करेंगी और उसमें से आपसे प्रश्न पूछेंगी, उसके आपके 10 नंबर हैं। तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले और उस 10 मार्क्स की भी तैयारी आप पूरी तरीके से रखें। अब उम्मीद करती हूँ कि सिलेबस से संबंधित और पेपर से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं वो आपको इस वीडियो में यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।